Hey, hello guys. So once again, welcome back to GDC classes. So guys, we are starting with the next chapter. Sorry, next chapter in the sense like, you know, next subjects. So next subject would be credit society and credit banking. So let's see what the chapters contain. Is chapters and books mein is subject mein ye likha hua ki like jo bhi banking ke related transaction hote hain, banking ke related jo bhi correlated things hoti hain, jo credit society ke through hame karni hoti hai, right? अभी सपोज क्रेडिट सोसाइटी को बैंकिंग कर लेके क्या सीन है और कॉपरेटिव सोसाइटी का बैंकिंग के साथ क्या चीज़ें हैं. चलिए आज आज फर्स्ट चीज़ देखते हैं, ठीक है. सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इसका इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है, पहले तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, कॉपरेटिव बैंक, कॉपरेटिव बैंकिंग एंड क्रेडिट सोसाइटी एंड क्रेडिट सोसाइटी. अब यार कॉपरेटिव बैंकिंग पता है, क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती हैं. चलिए स्टार्ट तो करें, ठीक है. सो गाइस पहले हमें इसका मीनिंग देखना है कि एक्चुअल में बैंक का मतलब क्या होता है, राइट. सो बैंक का मीनिंग देखना है, व्हाट इज बैंक, बैंक का मीनिंग बताइए मुझे. सी बैंकर के काफ़ी सारे मीनिंग हैं, बट बेस्ट एक डेफिनेशन लिख लेना जो मैक लियॉर्ड ने लिखा है, ओके. द एसेंशियल एसेंशियल बिजनेस लिखती है, द एसेंशियल बिजनेस ऑफ अ बैंकर, ओके, ऑफ अ बैंकर इज टू बाय money and debt by creating another debt. बस इतना ही लिखना है. अब इसका मतलब क्या होता है, लाइक अब मैं बताता हूँ बैंक क्या करता है. बैंक हमसे पैसा लेता है, मीन्स क्या, बाय मनी. क्या करता है, हमें लोन देता है. तो क्या करता है, डेप्ट, ठीक है. किसे करके, बाय क्रेडिटिंग अदर डेप्ट्स. अभी बाई क्रेडिटिंग अदर डेप्ट्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए सपोज मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, राइट. सो प्रॉपर्टी लेने के लिए इज अ डेप्ट, राइट. ही इज़ गिविंग मनी टू हिम, नॉट मी. प्रॉपर्टी ले रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, बट वो पैसा किसको जा रहा है, इसी और को, बाई क्रिएटिंग अदर डेप्ट्स. सो इसका मीनिंग वही है कि लाइक बैंक का मेन काम होता है गिविंग एंड टेकिंग मनी एंड बाइंग एंड लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द मनी, ओके. सो बैंक का स्पेशली मीनिंग है कि आप ये लिख लीजिए, ओके. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैंक, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग. यहाँ पर आपको फोकस करना है कि एक्चुअल में हर एक का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ओके. सो फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन. पहला प्रिंसिपल है. दूसरा प्रिंसिपल है सेफ्टी. तीसरा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी. चौथा प्रिंसिपल है शिफ्टेबिलिटी. पांचवा प्रिंसिपल है, थोड़ा गैप रखे देखें मतलब एग्जांपल भी दे सकूं. पांचवा प्रिंसिपल है एंटीसिपेटेड इनकम. सिक्स्थ प्रिंसिपल नेशनल इंटरेस्ट. सेवन प्रिंसिपल है मार्केटबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केटबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है,
सो गाइस पहले मतलब क्या है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्या प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्या बैंकिंग बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन होते हैं कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग हमसे पैसा लेती है, राइट, हमसे डिपॉजिट करवाती है, तो क्या वो पैसा अपने पास रखती है? नहीं, वो पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है, और जहाँ से बेस्ट रिटर्न मिलता है, जैसे यहाँ पर हायर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लोअर मिल रहा है, सो यहाँ पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। इसका आप अगर बुक में मीनिंग देखोगे, बैंक शुड हैव एन इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर, सो बेसिकली वही मतलब होता है। इसके काफ़ी सारे सेक्टर हैं, तो काफ़ी जगह पर बैंक इन्वेस्ट करती है, सो दैट्स कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन। ओके, सेफ्टी, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। अभी सपोज मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करता हूँ, क्या वो किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है? नहीं, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। क्या वो मेरे बदले कोई और पैसे निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है, बट उसके लिए काफ़ी सारी लाइक कंप्लाइंस करना पड़ता है, साइन सिग्नेचर लगेगी, वेरीफिकेशन होगा, और मेरा अकाउंट में बैलेंस सही है नहीं, वो सब चीज़ें वेरीफिकेशन होती है, उसके बाद ही वो पैसे निकाल ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या है, वो क्या है कस्टमर के लिए, उसकी सेफ्टी है, राइट। तो सपोज़ मैं लॉकर लेता हूँ, तो मेरा पैसा या मेरा गोल्ड या मेरे कोई भी अर्नामेंट्स वहाँ पर लॉकर में पड़े हुए हैं, तो क्या है, सेफ्टी है, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड सेफ्टी यहाँ पर वो काम करता है बैंकर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, राइट। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेबिलिटी का SBI बैंक। SBI बैंक कितनी पुरानी है? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स या 80-50 समथिंग ईयर्स कम्प्लीटेड। अभी तक क्या है उसमें? स्टेबिलिटी, ना कोई चेंजेस आए ना कुछ भी। हाँ, भले से मर्जर डीमर्जर हुए हैं, काफ़ी सारे मर्जिंग हो बैंक्स हो चुकी हैं, सब बैंक मिला के एक SBI बन चुका है, ठीक है, उसका स्पेशल एक्ट है। सो इससे क्या है, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूस चलता रहता है। बेस्ट एग्जाम्पल कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस मोस्टली नेशनलाइज बैंक के लिए होता है, नेशनलाइज बैंक के लिए। ओके, NB, ठीक है। अब शिफ्टेबिलिटी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल मेरा अकाउंट है कल्याण में, ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट है कल्याण में। अभी सपोज़ मैं गया लातूर या कहीं पर भी गया मैं, तो मैं क्या यहाँ पर हर टाइम आता रहूँगा पैसे डिपॉजिट करने के लिए? नहीं। क्या मैं पैसा निकालने के लिए हमेशा यहाँ पर आऊँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि शिफ्टेबिलिटी है, मैं चाहूँ मेरा अकाउंट वहाँ पर शिफ्ट करा के वहाँ से पैसे निकाल लूँगा, वहाँ पर चेक डिपॉजिट करा लूँगा, सो दैट्स कॉल्ड शिफ्टेबिलिटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आता है एंटीसिपेटेड इनकम। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, क्या बैंक को पता होता है कि उनको इंटरेस्ट से कितनी इनकम मिलने वाली है? नहीं पता है। क्या उनको पता होता है कि कितने क्लाइंट डेली ज्वाइन होंगे या वीकली या ईयरली कोई भी ज्वाइन होने वाले? नहीं, देयर इनकम इज एंटीसिपेटेड, ठीक है, उन्हें पता नहीं कि कितनी इनकम होगी, बट डेफिनेटली इनकम होगी, तभी तो वो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट, तभी डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, इसके बेस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उनको नहीं कस्टमर को। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेटेड इनकम, नेशनल इंटरेस्ट। एक बात बता दो, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिकली, राइट। अब इकोनॉमिकली यहाँ पे दो रेट चलते हैं, कौन से, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ओके, अभी नेशनल इंटरेस्ट बोला, अगर सपोज मैं बैंक से पैसा लेता हूँ, मतलब RBI कमर्शियल या कोई भी बैंक, बैंक RBI से पैसा ले रही है, तो रिवर्स रेपो रेट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए, कि गवर्नमेंट बैंक से पैसा ले रही है या बैंक RBI से पैसा ले रही है, तो दोनों को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, दोनों में एक बोलते ना एक्सचेंज मेंटेन रखना है, कमर्शियली वो इकोनॉमिकली वो चीज़ मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए उसका नेशनल इंटरेस्ट प्रिंसिपल होगा, क्योंकि वो क्या काम करती है, गवर्नमेंट से भी लोन ले रही है या गवर्नमेंट को लोन दे रही है या कंज्यूमर को लोन दे रही है या उनका डेबिट या उनसे सेविंग करवा रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल ऑन बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। सिर्फ मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, एग्जाम्पल अभी कोई भी बैंक होते हैं, बैंक के शेयर्स होते हैं, राइट। सो बैंक के शेयर होने के लिए क्या उनका मार्केट वैल्यू दिखता है? राइट, मार्केट वैल्यू तभी दिखता है जब भी उसके शेयर्स बिकेंगे, तो उसकी सिक्योरिटीज़ बिकेगी, राइट। अगर उसकी सिक्योरिटी सेल हो रही है तो मार्केटेबिलिटी है, अगर सिक्योरिटी सेल्स नहीं हो रही है, ऐसे ही स्टॉक अनसोल्ड पड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, अनसब्सक्राइब पड़े हुए हैं, तो उसकी मार्केटेबिलिटी लोअर है। सब्सक्राइब हो रहे हैं, शेयर काफ़ी सेल होल्ड हो रहे हैं, प्रीमियम पे जा रहे हैं शेयर्स, सो उसकी मार्केटेबिलिटी हायर है। सो ये था 7 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। सो गाइज, हमने आज टोटल 7 प्रिंसिपल देखे, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ शिफ्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेटेड इनकम, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम आते हैं
अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के भी टाइप होते हैं, चलो देखते हैं कौन कौन सा टाइप होता है भाई, बता दो टाइप भी बता दो, कमर्शियल बैंक, मैं इसका एग्जांपल दूंगा साथ में मीनिंग बता दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर बैंक, थोड़ा गैप रखते हैं, कुछ 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 आया तो वो लिख सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जिसका ऑडिट हम कर सकते हैं, हमारा हाथ में राइट है कोऑपरेटिव बैंक्स के ऑडिट करने का। फिर नेक्स्ट है लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, फिर एक्सचेंज या फॉरेन बैंक भी बोलते हैं इसको। ओके और कौन सी बैंक है, हाँ सेविंग बैंक, सेम फंक्शंस या की तरह हमने अभी क्या पढ़ा था प्रिंसिपल की तरह, इसके भी सात टाइप है बैंक के, सो लेट्स सी। ओके पहले आप नाम नोट कर लो, चलिए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब क्या, कमर्शियल बैंक मतलब ICICI, HDFC, NIDBI, और भी है काफ़ी सारे, इंडसइंड वगैरह है, इंडसइंड है, फिर आंध्र बैंक है, सो ये सब जो बैंक है अलग कमर्शियल। अभी इनका कमर्शियल बैंक होने का रीज़न क्या है, पर्पस एक ही होता है भाई, प्रॉफिट, पैसा मांगता है इनको, पैसा कमाने के लिए लोग बिजनेस में आता है और वो अपना खुद का बैंक खोलता है और लोगों से पैसा लेता है और उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करके वो पैसे कमाते हैं या लोगों को ही उस पैसे में घुमाते कर एज अ लोन की तौर पर बेच देते हैं, ठीक है। सो उससे उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट, और वो इंटरेस्ट इनकम को ही वो प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब बैंक चार्जेस होते हैं, काफ़ी सारे उनके सोर्स होते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक का मेन पर्पस एक ही होता है, टू डेवलप द इंडस्ट्री, ओके। अब ध्यान रखिएगा वाइल राइटिंग द आंसर फॉर दिस, इंडस्ट्रियल बैंक का एक ही पर्पस होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बैंक का एक और मेन पर्पस होता है टू गिव द लोन टू द इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाती क्योंकि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाती है, वो जाती है ठीक इंडस्ट्रियल बैंक के पास जिसके पास एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी होम लोन का चल रहा है एग्जाम्पल के लिए 10%, आपको इंडस्ट्रियल बैंक देगी 6%, तो ये है गैप। अब इंडस्ट्रियल बैंक का एक और एग्जाम्पल है LIC, ठीक है। LIC हर किसी को लोन नहीं देती, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को लोन देती है, बट उसको इंडस्ट्रियल बैंक नहीं बोल सकते, बट इट्स अ काइंड ऑफ दैट, ओके, वो उसके टाइप का है, ओके। सो इंडस्ट्रियल बैंक का काम क्या हो गया, एक तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री और सेकेंड है टू गिव लोन टू द एंड क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाबार्ड, नाबार्ड आपको पता होगा या मुझे पता नहीं, सुना तो होगा, नाबार्ड इज़ अ नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बैंक, ओके, रूरल डेवलपमेंट बैंक। सो इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू डेवलप द एग्रीकल्चर, जो भी अभी सपोज कोई भी रूरल एरियाज होते हैं तो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा है, फार्मर्स ज़्यादा होने की वजह से और उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो लोग कोई सुसाइड कर लेता है या कोई मतलब बहुत सारे रीज़न है, या उनकी खेती नहीं चलती है या उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसमें इनका इसका मेन रोल होता है एग्रीकल्चर बैंक का। एग्रीकल्चर बैंक का बेस्ट एग्जांपल है नाबार्ड। अभी नाबार्ड का काम क्या होता है, सपोज कोई फार्मर है उसके पास पैसे नहीं है तो ही गिव लोन्स टू बाई द मशीनरी, ही गिव लोन्स टू परचेस सीड मशीनरी, जो भी हार्वेस्टिंग के लिए लगेंगे पैसे वगैरह तो नाबार्ड देगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का मेन पर्पस होता है, कोऑपरेटिव बैंक ऐसे नहीं बनती है, कोई भी सोसाइटी एग्जांपल के लिए सोसाइटी ही कोऑपरेटिव बैंक क्रिएट करती है, कोऑपरेटिव बैंक ऐसे नहीं बन जाती, बनाने का रीज़न है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी होती है
तो उसे खुद की एक कोऑपरेटिव बैंक क्रिएट करनी पड़ती है एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अगर सपोज ज़्यादा बड़ी सोसाइटी है तो इतनी बैंक कोऑपरेटिव करने के बाद अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो कोऑपरेटिव बैंक का मेन पर्पज़ क्या होता है? टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू देयर कोऑपरेटिव कस्टमर्स, राइट। सो कोऑपरेटिव बैंक का और क्या रीज़न हो सकता है? कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट हो सकता है GDCA के थ्रू। आप GDCA करने के बाद कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक का मेन पर्पज़ क्या होता है? लैंड डेवलपमेंट में मतलब क्या होता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक मतलब क्या? एक ज़मीन का डेवलप करना, उसमें सपोर्ट करने वाली लैंड डेवलपमेंट बैंक, राइट। सो अभी इसमें ये कैसे सपोर्ट करेगी? एग्जाम्पल सपोज कोई कोई ज़मीन है जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, कोई ज़मीन है जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, बट द वन पर्सन हु टेक द इनिशिएटिव, और वो क्या करता है? सर मैं पूरी हार्वेस्टिंग करूँगा, मैं खुदाई करके मैं पूरा सिंचाई करके मैं पूरा खोद के इसको मस्त बनाऊँगा, और उसमें वो ही टेक द लोन फ्रॉम द लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब वो वहाँ से पैसे ले लेता है एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिल जाता है यहाँ से। तो यहाँ से वो पैसा लेके उस ज़मीन को वो डेवलप करता है जहाँ से वो फसलें उगाता है या कुछ भी इंडस्ट्री या SEZ खड़ा करता है, ठीक है। सो वो होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है। अभी एक्सचेंज और फंड बैंक्स, देखो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बहुत सारे में दे सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए तो जो बैंक्स वगैरह हैं काफ़ी सारे हैं। पेपाल भी बोल सकते हो, पेपाल अभी ऑनलाइन आ गया है, या साउथ इंडियन बैंक। इंडसइंड बैंक ये लोग पता क्या करते हैं आपको? फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज। सपोज़ मैं वहाँ से पैसे मंगाता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं फॉरेन में जॉब करता हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ये लोग एक करेंसी कन्वर्टर का भी काम करते हैं। और भी बैंक्स हैं, ठीक है, मुझे थोड़े से जो बैंक्स जो मेन हैं, बट ये बेसिकली ये बिज़नेस के लिए भी काम करते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी काम करते हैं। तो मैंने आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल दिया इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक का मेन रोल होता है एक्सचेंज पे, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनके जो जो भी क्लाइंट है सब एक्सपोर्टर होते हैं। एक्सपोर्टर रिसीव द मनी इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो मे वेरियस करेंसीज में उनको पैसे मिलते हैं, कभी येन डॉलर में मिलते हैं, येन में मिलते हैं, काफ़ी सारे, ठीक है। सो उनका मेन रोल होता है यहाँ पर, वो पैसे उससे कमा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक सबका होता है, हम हर एक इंडिविजुअल के पास सेविंग बैंक है, दैट इज़ सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट का मेन पर्पज़ होता है टू प्रोवाइड ए गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर अच्छा नॉर्मल एक पैसा पड़ा रहेगा, जितना भी निकालो कुछ भी करो इंटरेस्ट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये था मेन सेविंग बैंक का पर्पज़। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ बैंकिंग। सो गाइज हमें चालू करना है फंक्शन ऑफ बैंकिंग, राइट। सो फंक्शन ऑफ बैंकिंग चलो देखते हैं, ये सब आपने लिख लिया ना एक बार दिमाग में, स्टोरी बनाकर लिख समझना कि मैं क्या बताया हूँ आपको। स्टोरी अगर आप चलो समझ में आ गई ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस काफ़ी है यार, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो हम लिख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम चालू करने वाले हैं फंक्शन ऑफ बैंकिंग, ठीक है। फंक्शन ऑफ बैंकिंग में दो टाइप के फंक्शन होता है, पहले तो इसका पॉइंट लिख देते हैं फंक्शन ऑफ बैंकिंग, ओके। फंक्शन ऑफ बैंकिंग भाई बता दे फंक्शन ऑफ बैंकिंग क्या है। चल भाई बता देता हूँ, प्राइमरी लिख लो, ठीक है, इधर सेकेंडरी लिख लो, ये चार्ट बना लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। सो प्राइमरी में इन लोगों ने फर्स्ट दिया हुआ है दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। भाई पैसा एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ओके। दूसरा इन लोगों ने दिया हुआ है लैंडिंग, तीसरा इन्होंने दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ मनी, बी साइलेंट स्टूडेंट्स, क्रिएशन ऑफ मनी। फोर्थ इन्होंने दिया है क्लियरिंग चेक्स, चेक तो पता ही होगा आपको, क्लियरिंग ऑफ चेक। फिर है फिनेंशियल फॉरेन ट्रेड, आप लिखते जाइए, आप होल्ड मत कीजिए, कॉन्सेंट्रेट रखिए, फिनेंशियल फॉरेन ट्रेड,
नेक्स्ट है रेमिटिंग मनी, रेमिटिंग मनी। ओके ये सब थे प्राइमरी के प्राइमरी फंक्शन। ओके अब आते हैं हम सेकेंडरी में। सेकेंडरी में इन्होंने दो पार्ट में बटा हुआ है, वन इज ए एंड सेकेंड इज बी। ओके सो ए एंड बी, ए में कौन कौन से हैं? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी है। ओहो लोगों ने क्या क्या ऐड किया, मेक पेमेंट्स पता है भाई, पैसा देना दूसरा काम, पैसा लेना पहला काम। वाह एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब क्या, ट्रस्टी मतलब क्या, खुद के दिमाग में याद करो, नहीं बता तो बताने तो वाला ही। अटॉर्नी, अटॉर्नी मतलब क्या। फिर फोर्थ है क्रस एजेंट। ठीक है ये थे सेकेंडरी के ए। ठीक है अब नेक्स्ट आते बी के, इसमें कुछ हार्डली आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, चार ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। सेफ डिपॉजिट वॉलेट, स्टॉक इन्वेस्ट, गाइडेंस, सब इतना लिखो। ठीक है सो गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शन के साथ में। किसके साथ में? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहले लिखा हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। भाई बैंक में अकाउंट खोलूँगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरूँगा तो क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को बोला बैंक वाले ने भाई तू पहले पैसे जमा कर, क्या कर, 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, वो क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। 1000 रुपये मिनिमम या 5000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखो तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। सो वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वो भले से मिनिमम हो बट वो काम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सेकेंड लैंडिंग, लैंडिंग मतलब क्या भाई, मेरे पास अब अकाउंट में पैसा नहीं रहे, अब मुझे क्या करना है, बैंक से लोन चाहिए, बैंक भाई मुझे लोन दे दो, तो क्या करेंगे बैंक से, देखिए भाई ये लो पेपर, मेरा इनकम टैक्स पेपर, ये मुझे लोन दे दो, तो बैंक क्या कर रहा है लैंडिंग। ठीक है सो उसका प्राइमरी फंक्शन रहता है पैसा लेने के बाद वही पैसा पब्लिक को देता है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग। ठीक है अभी लैंडिंग किसको देता है, लोन हो गया या कोई भी हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, बहुत सारे लोन होते हैं। ठीक है सो अभी क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है अब बैंक कैसे क्रिएट करता है पैसे को। ठीक है अभी सपोज इससे पैसा ले लिया मैंने 1000 रुपया, अभी उस 1000 में से मैंने दे दिया 100 रुपया, इस पर प्लस इंटरेस्ट कमा के मैंने सपोज 30 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ मनी। जो मैंने लोन दिया था 100 रुपये का, उस पर मुझे 30 रुपये बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ा, 30 रुपये वो बैंक के लिए है क्रिएशन ऑफ मनी, क्योंकि बैंक ने यहाँ पर 1 रुपया नहीं खर्च किया, उसके 1000 रुपये में से 100 रुपये का लोन दे दिया और 100 रुपये में से उसने 30 रुपये कमाया, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है सो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ मनी मतलब लैंडिंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला या कुछ भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला या कुछ भी इनकम मिला, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ मनी फॉर बैंक। ओके सो अभी नेक्स्ट आते हैं क्लियरिंग ऑफ चेक। बैंक क्या काम करता है, एग्जाम्पल मेरी बैंक का चेक है, मैं जाके कोई भी बैंक में जमा करता हूँ बट वो मेरे अकाउंट में जमा होता है। ठीक है या मैं पर्सन के अकाउंट में जाकर जमा करता हूँ तो वो मेरे अकाउंट में ही पैसा जमा होगा, किसी और के अकाउंट में जमा नहीं होगा। तो बैंक का एक और फंक्शन है जो बैंक को पैसे जमा कराने के, सपोज़ मेरी बैंक कॉरपोरेशन में है, ठीक है, और मैं कॉरपोरेशन बैंक का चेक इशू करता हूँ इंडसइंड बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए, तो वो बंदे का अकाउंट इंडसइंड बैंक में होना चाहिए तभी वो क्लियरिंग ऑफ चेक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि मैंने स्पेशली या वो बंदा चेक लेके उसके कोई भी बैंक में जाता है तो वो चेक वहाँ पर क्लियरिंग होगा। ठीक है स्पेशली आई डिडंट मेंशन ऑन द नरेशन कि मैंने मेरा इस बैंक में क्लियर होना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो क्लियरिंग ऑफ चेक का मतलब ये होता है। ठीक है फिनेंशियल फॉरेन ट्रेड, फिनेंशियल फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के लिए एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए जो भी फॉरेन ट्रेड्स होती हैं, राइट, सो दे प्लस स्पॉट रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, काफ़ी सारे हैं लाइक यू नो डेली कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें दे डील विद द फॉरेन करेंसी। ओके फॉरेन करेंसी में वो लोग फ्लक्चुएशन के बेस पे कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दे ट्रेड विद द फॉरेन करेंसी। ठीक है सॉरी
तो जिससे उनको रेवेन्यू जनरेट होती है, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, उससे भी उनको क्रिएशन ऑफ मनी होती है। तो अभी नेक्स्ट आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़ लियो। रेमिटिंग मनी, रेमिटिंग मनी का मतलब क्या होता है, अगर सपोज मेरे पास पैसा है, मुझे किसी को पैसा भेजना है, मेरा बेटा या कोई भी लड़का लड़की की या मेरे फ्रेंड वगैरह, मुझे उसको अब्रॉड पैसा भेजना है या कहीं पर भी इंडिया में कहाँ पर पैसा भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे बैंक से पैसा निकालूंगा और उसके अकाउंट में डिपॉजिट करा दूंगा, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करा दूंगा। तो ये क्या हो गया, रेमिटिंग मनी, या बैंक में को मैं चेक इशू करूँगा, मेरे बिहाफ पर बैंक उसके अकाउंट में पैसा जमा करेगी, RTGS या NEFT या IMPS, बहुत सारी आजकल तो आ चुके हैं, नेट बैंकिंग वगैरह, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप रेमिटिंग मनी कर सकते हो, ठीक है, उसके बिहाफ पे बैंक तुम्हारा प्रोसेस अप्रूव करेगी, ठीक है। सो ये थे प्राइमरी फंक्शन। सेकेंड में आते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में बैंक आपको क्या देती है, अच्छा तो आपके पास सिविल स्कोर है, अच्छा आपकी इनकम है, तो आपको क्या मिलता है, क्रेडिट कार्ड, दैट इज़ सेकेंडरी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट। मैक पेमेंट, बैंक तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट करती है, ठीक है, या सपोज मेरे को कुछ गुड्स खरीदने हैं, तो गुड्स खरीदने के लिए बैंक मेरे बिहाफ पर पेमेंट करती है, तो बैंक क्या करती है, पेमेंट भी करती है। एक्सचेंज एग्जीक्यूटर फॉर ट्रस्टी एंड अटॉर्नी, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं कोई डील करता हूँ, तो बीच में उसमें बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बैंक मेरे बिहाफ पे मेरी एज अ ट्रस्टी बनकर मुझे एक बैकअप या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फॉर अदर पार्टी टू बी एंड सिक्योर टू फॉर मी, ओके। सो मेरे लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए वो उसको सिक्योरिटी देती है, ठीक है, एज अ ट्रस्टी काम करती है। एजेंट, एजेंट का क्या रोल है, तो एजेंट मतलब क्या, सपोज मुझे पैसा चाहिए, राइट, पैसा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ भाई, बैंक में जाके मैं एप्लीकेशन कर देता हूँ, राइट, तो वो मेरे बिहाफ पे मुझे पैसा दे देती है। अभी पैसा दे दिया, उसमें क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। अभी एजेंट का क्या रोल होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज मैं वो पैसा चार्ज करती क्या, बट उसमें वो मेरी हेल्प होती है, एजेंट का रोल करती है, एकदम सिविल स्कोर बढ़ाती है, ऑटोमेटिकली सिविल स्कोर बढ़ेगा, पेमेंट ऑटोमेटिक डिलीवर होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो ये सब कौन काम कर रहा है, क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, क्या मैं पेमेंट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, मेरा अकाउंट से डेबिट हो रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, क्या मैं सिविल स्कोर बढ़ा रहा हूँ, नहीं, वो सब काम कर रहे हैं बैंक। सो ही इज़ प्लेइंग साइमल्टेनियसली एज अ रोल ऑफ एजेंट, ठीक है, तो बैंक एजेंट का भी रोल परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आता है रिफरी, रिफरी का मतलब क्या होता है, बैंक किसी को रिफ़र भी करती है, ठीक है, कि लाइक दिस इज़ द रेफरेंस, कि ये मेरा बंदा है यहाँ से आया हुआ है, सो काइंडली हेल्प हिम फॉर दिस थिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज मैं कोई बैंक से ऑलरेडी लोन लिया हुआ हूँ, ठीक है, और मेरा फ्रेंड जाके बोलता है कि हाँ सर ये इसने भी आपसे लोन लिया था, अच्छा इससे लोन लिया था, अंबानी ने लोन लिया था, ठीक है, तो आपको भी लोन मिल जाएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड रिफरी। अगर किसी एक बंदे को लोन अच्छा मिलता है, इज़ अ गुड स्कोर एंड दैट एंड गुड रिलेशन विद दैट बैंक, सो बैंक गिव लोन टू अनदर गाय ऑन द रेफरेंस ऑफ दैट गाय हु इज हु हैव अ गुड स्कोर और गुड रेपो इन बैंक, ओके। सो ये था रेफरी का मतलब। सेफ डिपॉजिट वॉलेट, सेफ डिपॉजिट वॉलेट मत का मतलब ही होता है लॉकर। सो बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है लॉकर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सो लॉकर समझ लीजिए। स्टॉक इन्वेस्ट, स्टॉक्स इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अभी मैं उस बैंक के शेयर खरीदता हूँ, तो उस बैंक के शेयर खरीदने को स्टॉक इन्वेस्ट बोल देंगे, ठीक है। फिर गाइडेंस, गाइडेंस इन द सेंस, क्योंकि बैंक अपने गाइडेंस नहीं बनाती है, सिर्फ SBI अपने गाइडेंस बनाती है, क्योंकि उसका स्पेशल एक्ट है, बाकी जो भी बैंक्स होती हैं वो बेस्ड होना RBI गाइडलाइंस, सो उसके लिए भी गाइडेंस इशू करती है कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। सो ये रहा गाइडेंस का। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज सबसे बेस्ट एग्जांपल, भाई मैं पैसा भेज रहा हूँ, तो मुझे कुछ में कुछ पैसे में 100, मैंने सपोज एग्जांपल हज़ार डॉलर एट द रेट ऑफ 69 पे भेजा, और $1,000 उसको मिला एट द रेट ऑफ 70, तो यहाँ पर जो 1 रुपये का जो डिफरेंस आया, राइट, जो 1 रुपये का डिफरेंस आया, दैट इज़ कॉल्ड 1,000, 1,000 का ही डिफरेंस उनको इनकम में होगा या तो लॉस में ट्रेड होगा, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते वक्त ऐसे इशू हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थे फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, आप लिख लीजिएगा एक बार, लिख लो पूरा एक बार। ठीक है, चलो। सो अभी नेक्स्ट हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग, क्या भाई
फंक्शन प्रिंसिपल पढ़ा दिए, मीनिंग बता दिया, अभी इंपॉर्टेंस भी बता रहे हो, इतना तो काफ़ी होता है ना यार बैंकिंग के लिए, और कितना जाना जरूरी है। नहीं भाई इतना नहीं चलेगा, चलो ठीक है बट बताओ इंपॉर्टेंट में दिखाई दो क्या है ना, इंपॉर्टेंट में देख ही लेते ना। फंक्शन गायब हो जा भाई, बहुत हो गया, कितना बड़ा था व्यू। ठीक है अब यहाँ पर हम आते हैं इम्पोर्टेंस, ये थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा याद करके जाना, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग। ओके छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, पॉइंट्स लिख लो पहले तो। वेन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वेन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा पॉइंट लिखो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट, तीसरा पॉइंट लिखो क्रिएशन ऑफ नियर मनी, क्रिएशन ऑफ नियर मनी। फोर्थ पॉइंट लिखो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है सिक्स क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। सो गाइस हम पहले देखेंगे, पहला पॉइंट लिख लो ठीक है। चलो स्टार्ट कर दें। वेन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वेन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है ठीक है सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट थ्रू द इकोनॉमिक सिस्टम, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है किसी भी बैंक को अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा करना है तो उसके लिए क्या चाहिए उनको, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है सो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, देर आर वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स, तो जहाँ पर बैंक इन्वेस्ट करती है सो उसी को बोलते हैं वैन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है जो बैंक इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करके अलग अलग जगह पे उन कस्टमर के पैसे इन्वेस्ट कर दिए एंड दे रिसीव गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट्स। ओके नेक्स्ट आता है सेक्टरल इन्वेस्टमेंट। अभी सेक्टरल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक सपोज बैंक, अगर सपोज के पास बैंक पैसा है तो LIC में डाल देगी, अलग से इंडस्ट्री होगी, शेयर्स परचेज कर लेगी, अलग से म्यूचुअल फंड खरीद लेगी, तो ये सब अलग अलग इंडस्ट्री है। तो दाड़ा थ्री डिफरेंट सेक्टर, LIC का काम होता है लोन प्रोवाइड करना है, शेयर्स का कोई भी कंपनी का काम होता है कोई भी प्रोडक्ट या ट्रेड करना, या यहाँ पर क्या काम था, यहाँ पर हमने क्या देखा था म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का काम होता है एज अ सिक्योरिटी की ट्रेड प्रोवाइड करना। सो ये तीनों सेक्टर ही अलग हैं तो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट उसी को बोलते हैं। ठीक है सेक्टर इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग, तो बैंक अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट भी करता है एंड दैट इज अ डिफरेंस ऑफ अ सेक्टरल इन्वेस्टमेंट। ठीक है क्रिएशन ऑफ नियर मनी, बैंक कोई लीगल मनी क्रिएट नहीं करता, लीगल मनी मतलब है लीगल मनी तो RBI क्रिएट करता है, बट बैंक्स कमर्शियल बैंक कोई भी बैंक नियर मनी क्रिएट करता है, क्योंकि उसका नियर मनी मतलब क्या, चेक ड्राफ्ट। ठीक है चेक ड्राफ्ट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नियर मनी। ठीक है क्रिएशन ऑफ चेक लिख दो, नियर मनी मतलब चेक या ड्राफ्ट बेस्ट एग्जाम्पल है, इस कॉल नियर मनी। ठीक है फिर ये कहाँ से, ये कौन बनाता है, बैंक्स बनाती है, बट लीगल मनी कौन बनाता है, RBI बनाती है। ठीक है डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग क्या होता है, अगर सपोज डेवलपमेंट कहाँ से होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स का, ट्रेड को मैं लोन, अगर सपोज कोई बिजनेस को लोन देता हूँ तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस डेवलप हो रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। कॉमर्स मतलब क्या, कॉमर्स मतलब किसी में किसी NGOs, किसी स्टूडेंट्स, किसी किसी को भी एंड गिविंग द लोन्स, ठीक है फॉर हीज और हर डेवलपमेंट, सो दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके सो कॉमर्स किसी इंस्टीट्यूट किसी भी चीज़ को लोन देना, तो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू देर इज अ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग। ओके ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग। अब नेक्स्ट आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब बैंक हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बैंक प्रोवाइड वेरी सर्विसेज एज वी हैव सीन, हमने देखी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है, तो वो रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करती हैं उनके काफ़ी सारे, एग्जांपल के लिए हाउसिंग लोन हो गया,
एजुकेशन लोन हो गया, और क्या गोल्ड लोन हो गया. सो ये दीज आर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज ऑलरेडी बटे हुए हैं जिसके बेस पर बैंक मोस्टली काम करती है. तो दैट इज एक मोर मोर इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैंकिंग क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसको फर्स्ट होना चाहिए था बट पता नहीं उन्होंने लास्ट में क्यों डाला हुआ है. क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? कस्टमर से. कस्टमर के पास पैसा जो भी जमा कर रहा है तो उसको क्या मिलता है? उसको इंटरेस्ट मिल रहा है. बट बैंक को क्या मिलती है? उसको भी इंटरेस्ट मिलता है. बट वो कैसे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक को? क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. बैंक अगर बैंक के पास 1,000 रुपये आएंगे तभी वो 900 का या 1,000 रुपये तक का लोन दे पाएगी. अगर बैंक के पास 0 पैसा है तो लोन कहाँ से देगी? देर वुड बी नो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के लिए डिपॉजिट कंपलसरी होता है, ठीक है? तो लोन इशू करना कंपलसरी हो जाएगा जब बैंक के पास पैसे रहेंगे तो उनको इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड देन वी गिव द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. सो आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर. सो गाइज थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दी ही नहीं था बट एक्चुअल में अब के लिए यू नो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता ना तो कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये इतना बुक अब इसकी टोटल 15 या 12 पेज के उससे बट हमने इसे 40 से 1 घंटे में कवर किया है पूरा. कवर करने का रीज़न आपके दिमाग में ही बैठ चुकी कि इसका मतलब क्या होता है. मतलब बैठ गया तो बस बात ख़त्म, हम लिख लेंगे एग्जाम. सो गाइस आज के लेक्चर ख़त्म होता है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए. सो गाइस बाय.